और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। सुबह 7:30 बजे दिलीप कुमार का निधन हुआ है। हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो एक बड़े अभिनेता के रूप में उभरे थे दिलीप कुमार और उनका निधन हो गया है। पूरे देश में लगभग शोक की लहर है, उनके फैंस में भी शोक की लहर है। सुबह 7:30 बजे दिलीप कुमार का निधन हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है उन्होंने। तो बता दें, लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे, सांस लेने में उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि बीच में डॉक्टरों ने उनके स्वस्थ होने की खबर बताई थी, लेकिन एक बार फिर से तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और बेहद दुखद खबर, दिलीप कुमार का निधन हो गया। तो कई सुपरहिट फिल्मों को अंजाम देने वाले दिलीप कुमार का निधन हो गया है। सुबह 7:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। हिंदुजा अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 98 साल की उम्र में अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। तो तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन फिलहाल खबर मिल रही है दिलीप कुमार का निधन हो गया है। बेहद दुखद खबर, देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत बिगड़ी थी, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी उन्हें, जिसके चलते हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता कहे जा सकते हैं दिलीप कुमार। और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, बेहद दुखद खबर, बड़े अभिनेता के तौर पर दिलीप कुमार को देखा जाता था, उनका निधन हुआ है। बहुत बड़ी क्षति है प्रेरणा, ये अभिनय के एक युग का अंत है ये, और एक ऐसे युग का अंत जिससे नई पीढ़ी ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखते हुए आगे बढ़ी है नई पीढ़ी। एक ऐसा अभिनेता जो एक्टिंग का स्कूल रहा है, एक ऐसा अभिनेता जिससे शाहरुख खान और उनके पहले अमिताभ बच्चन जो लेजेंडरी एक्टर माने गए और जिन्होंने एक ट्रेंड भी सेट किया अपने अभिनय के जरिए, वो खुद खुलकर ये स्वीकारते थे कि उन्होंने अगर अभिनय का कहरा सीखा है तो ये दिलीप कुमार साहब से सीखा है। और दिलीप कुमार एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने जिस तरह की दीवानगी, जिस तरह का काम के प्रति जुनून हमने उनके भीतर देखा, वो शायद बहुत कम एक्टर्स में मिलता है। मुझे याद आता है कि अर्ली सिक्सटीज में जब वो लगातार एक के बाद एक दुखांत फिल्में कर रहे थे, चाहे देवदास की बात करें या तमाम इसी तरह की फिल्में, तो वो अपने अभिनय में इतना डूब जाते थे, अपने चरित्र में, अपने कैरेक्टर में इतना डूब जाते थे कि वो डिप्रेशन के शिकार हो गए। और उस दौर में बॉलीवुड के नहीं, हॉलीवुड के, यानी हॉलीवुड के जो एक नामचीन साइकेट्रिस्ट थे, उनके पास जाकर उन्हें चेंज ओवर के लिए बात करनी पड़ी कि मैं कैसे मैं खुद ऐसा लगता है कि ये दुखांत किरदार निभाते निभाते उस दुख में डूब गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको चेंज करना चाहिए, और फिर उन्होंने चेंज किया, जिसको हमने देखा कि राम और श्याम जैसी फिल्में फिर उन्होंने की, गोपी जैसी फिल्में की। तो ये तमाम, फिर चाहे हादसे हो, चाहे डाकू भी बने वो, फिर दूसरी पारी जब उनकी एक चरित्र अभिनेता के तौर पर शुरू हुई, तो आप देख लें, चाहे विधाता हो, चाहे मशाल हो, या फिर आप उनकी राजकुमार के साथ जो जुगलबंदी सुभाष घई की फिल्म के साथ हुई, सौदागर, उन तमाम चुनौतियों को उन्होंने, चाहे कभी उनको किसी अंडरवर्ल्ड के किरदार का चरित्र मिला, या फिर उनको कभी किसी एक गंभीर और एक बहुत ही बिजनेसमैन का चरित्र मिला, उन्होंने अपने को हर किरदार में ढाला। प्रेरणा, बहुत बड़ी क्षति है। मैं फिर कहूंगा कि ये एक युग समाप्त हुआ है, एक युग का अवसान हुआ है। एक ऐसा अभिनेता जो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। आज भी हम कई अभिनेताओं के एक्टिंग स्टाइल को देखकर आज भी कहते हैं कि ये दिलीप कुमार की नकल कर रहे हैं, ये दिलीप कुमार से प्रभावित हैं।
संवाद अदायगी में जो एक पॉज लेने की परंपरा थी, जिसको बाद में दिलीप कुमार ने और फिर नसीरुद्दीन शाह और उनके बाद भी कई अभिनेताओं ने आगे बढ़ाया कि किस तरह से अपनी गहरी आंखों और संवाद के बीच चुप रहकर अपनी अभिनय के जरिए दर्शकों के दिल तक पहुंचा जाए। दिलीप कुमार का वो अंदाज भी बहुत ही जबरदस्त था और एक बहुत ही सच्चा और बेमिसाल अभिनेता था, जिस अभिनेता की कोई मिसाल दी नहीं जा सकती। प्रेरणा एक अद्भुत अभिनेता, एक युग का अवसान है, शब्द नहीं है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को भारतीय सिनेमा में हम किस तरह व्यक्त करें। प्रेरणा, निश्चित रूप से शरद जी, मेरे को दो उनकी जो पिक्चर थी जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रभाव मेरे अंदर डाला, वो उनकी एक नया दौर जो एक ब्लैक एंड वाइट मूवी थी जिसको पहली बार कलर पर्दे में दिखाया गया था, और एक मुगले आजम। दो फिल्मों ने काफ़ी ज़्यादा प्रभाव मेरे अंदर डाला था और दोनों में ही लगभग ऑपोजिट किरदार दिलीप कुमार ने निभाया है। बिल्कुल, और इसमें जो नया दौर है, नया दौर की शूटिंग मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के हमारे राजधानी से लगे जिले बुधनी में, सीहोर जिले के बुधनी में हुई थी इस फिल्म की शूटिंग, और भोपाल से जो लोग हैं वो बराबर जाते थे, खासतौर से दिलीप कुमार के जो फैन हैं वो बड़ी संख्या में, कई लोगों ने तो बुधनी में ही डेरा डाल दिया था, और कई लोग प्रतिदिन, जो सक्षम लोग थे जिनके पास आने जाने की व्यवस्था थी वो अपनी गाड़ियों से जाते थे, हालांकि उस दौर में गाड़ियां बहुत कम होती थी, लेकिन फिर भी जो दीवानगी रही वहाँ और जिस तरह के दृश्य रहे, क्योंकि उसमें एक अपना चलाने वाले की भूमिका दिलीप कुमार की थी, और वहाँ नया दौर जैसा हम नाम से समझ रहे हैं कि वहाँ पर एक फैक्ट्री लगती है और फैक्ट्री लगने के बाद जनजीवन किस तरह प्रभावित होता है, उस तरह की फिल्म थी नया दौर। और मुगले आजम एक पीरियड फिल्म थी, एक इरा को रिप्रेजेंट करने वाली फिल्म थी, और आप देखिए कि प्रोफेशनलिज्म कितना था। मुगले आजम के दो अहम किरदार यानी मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच में कुछ अनबन के चलते उसी समय बातचीत बंद हो गई थी, लेकिन ये उन दोनों किरदारों का एक प्रोफेशनलिज्म था कि आप कल्पना कर सकते हैं कि बातचीत किस चरम स्थिति में बंद होती है जब बात बहुत बिगड़ जाती है और आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जिस शख्स को आप नापसंद करते हैं उससे आप एक लफ्ज भी कहें। यानी ये दोनों किरदार जैसे ही शॉट्स खत्म होते थे, शूटिंग उस दिन का काम पूरा होता था या इनको थोड़ी देर बैठने के लिए कहा जाता था, तो दोनों अलग अलग कुर्सियों पर जाकर बैठ जाते थे और एक दूसरे की तरफ कोई तवज्जो नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही सिनेमा, जैसे ही कैमरा रोल होता था, तो आप और हमने पर्दे पर इनकी केमिस्ट्री देखी है दोनों की, तो ये एक प्रोफेशनलिज्म था। राजकुमार एक अलग मिजाज के अभिनेता हमेशा से रहे हैं। राजकुमार के साथ काम करना, सुभाष घई ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि चुन्नू मुन्नू बचपन के दोस्त उस फिल्म में वो बने थे, वो ये कहते थे कि दोनों का एटीट्यूड जो रहता था वो भी चुन्नू मुन्नू की तरह ही था, और हम लोग सेट पर अक्सर इस बात को लेकर चर्चा करते थे कि दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह हैं, ये दोनों वरिष्ठ अभिनेता जिन्होंने अपने अपने अभिनय के अलग अंदाज के चलते बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन ये जैसे ही मेरा शॉट कैसा है, मेरा डायलॉग क्या है, राजकुमार बहुत इंटरेस्ट से पूछते थे, दिलीप कुमार भी अपनी स्क्रिप्ट पर बराबर निगाह रखते थे, और एक प्रतिस्पर्धा रहती थी, और यही प्रतिस्पर्धा है कि इसने दिलीप कुमार को दिलीप कुमार बनाया। आप देखिए इतने शेड, गंगा जमुना आप याद कीजिए जिसमें एक अलग किरदार निभाया, आप उनकी फिल्म और पुरानी फिल्मों की तरफ चलें, मधुमति की तरफ आप चलें, एक अलग पुनर्जन्म पर केंद्रित एक अलग तरह की फिल्म थी जी। फिर आप गोपी की तरफ आए, राम श्याम की तरफ आए, चाहे सीरियस किरदार हो, चाहे मोहब्बत में डूबे हुए किसी नौजवान का किरदार हो, या शहीद की तरफ आप चलें जिसमें उन्होंने एक आजादी के दीवाने की भूमिका निभाई थी, या फिर आप बात करें उनकी बाद की फिल्मों की जिसका जिक्र हमने किया, मशाल में आप याद करिए एक एडिटर और वहीदा रहमान जब बीमारी की वजह से सड़क पर दम तोड़ती हैं और दिलीप कुमार आती जाती गाड़ियों को रोकने की कोशिश करते हैं,
कहा जाता है कि वो सीन आज भी भारतीय सिनेमा का एक अद्भुत दृश्य है, जिसमें दिलीप कुमार बहुत ऊंची आवाज में दर्द से लबरेज अपनी आवाज में चीखते हैं कि कोई है, गाड़ी रोको भाई, मेरी बीवी दम तोड़ रही है जी। इसे हॉस्पिटल ले जाना है, और कोई गाड़ी नहीं रुकती है। और धीरे धीरे वहीदा रहमान उनकी बाहों में, उनकी पत्नी का किरदार निभाने वाली वहीदा रहमान उन्हीं की बाहों में दम तोड़ देती हैं। तो एक बेबस लाचार पति अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला एक शख्स जो अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को मरते देखने के लिए विवश है, उस दृश्य को दिलीप कुमार ने जो ऊंचाई दी है वो संभव ही नहीं है। या फिर जैसा आपने जिक्र किया अगले आजम में हमने देखा जी। कि पृथ्वीराज कपूर के साथ जो सलीम और अकबर के टकराव के जो दृश्य हैं उसको इन दोनों अभिनेताओं ने जिस ऊंचाई तक पहुंचाया, या फिर प्रेम में डूबे एक प्रेमी का जो दृश्य उन्होंने अनारकली के साथ कई मौकों पर उसको उन्होंने अंजाम दिया है, वो बहुत अद्भुत दृश्य है। फिर उनके कॉमेडी के किरदार मुझे याद आते हैं, चाहे राम और श्याम हो, जिसने एक ट्रेंड सेट किया जुड़वा भाइयों का या जुड़वा किरदारों का भारतीय सिनेमा में। उसके बाद सीता और गीता और बहुत सारी फिल्में इस मिजाज की हमने देखी, लेकिन राम और श्याम में जिस तरह दो अलग अलग किरदारों को उन्होंने किया, एक बहुत सीधा सरल और एक बहुत तेज चंचल और खूंखार, ये दिलीप के बस का ही था, दिलीप कुमार के बस का ही था। और दिलीप एक ऐसे अभिनेता भी थे जिन्होंने बॉलीवुड की उस दौर की परंपरा के बरखिलाफ जाकर अपनी एक अभिनय की स्टाइल, एक शैली विकसित की। काफी पढ़े लिखे थे वो, एक ऐसे परिवार से थे जहाँ पढ़ाई लिखाई पे जोर था, वहां से आने के बाद उन्होंने उस दौर की विश्व सिनेमा की फिल्मों को भी बहुत करीब से देखा और समझा, तो एक बड़ा अलग मिजाज था उनका। बिल्कुल शरद जी, अब जब आप पढ़ाई लिखाई की बात कर ही रहे हैं तो मुझे याद है कि परिवार से लड़के वो पुणे गए थे और पुणे में एक कैंटीन में वो जॉब किया करते थे, और उस दौरान ही वे मुंबई आए और बॉम्बे टॉकीज में उन्हें काम मिला था। मुझे लगता है ज्वार भाटा उनकी पहली मूवी थी, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने एक बहुत अच्छा अभिनय पिक्चरों में किया था। यूसुफ खान से दिलीप कुमार का सफ़र अगर आप कुछ जिक्र कर पाएँ उसके बारे में तो बिल्कुल जानना चाहूँगी। देखिए ये वो दौर था प्रेरणा जो भारतीय सिनेमा का एक बहुत अलग दौर था, और इस दौर में जो अभिनेता, क्योंकि उस दौर में अगर आप बात करें आजादी के बाद के दौर की, तो सिनेमा के दो तीन केंद्र उस समय हिंदुस्तान में थे। एक केंद्र लाहौर में था, दूसरा लाहौर या कराची में था, दूसरा कोलकाता बहुत पुराना सेंटर रहा, बाद में धीरे धीरे बड़ी फिल्म कंपनियां मुंबई आई और मुंबई भी था, मुंबई शेप अप हो रहा था मेनली उस दौर में, बड़ी फिल्म कंपनियां कोलकाता में हुआ करती थी। तो दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर, ये वो तीन चेहरे थे जो आजादी के बाद हिंदुस्तान के सिनेमा प्रेमियों के दिल की आवाज बने, उनके दिल का चेहरा बने, और तीनों का एक्टिंग स्कूल बहुत अलग था। दिलीप कुमार एक ऐसे अभिनेता थे जो किसी भी किरदार में ढल के उसे पर्दे पर जिंदा कर देते थे। दिलीप कुमार के अलावा अगर राज कपूर की बात करें तो वो एक पर्टिकुलर जोन के अभिनेता माने गए अपनी गहरी अभिनय क्षमता के बाद भी, और ये माना गया कि वो उस दौर में एक चार्ली चैपलिन की मासूमियत और उसके एक कॉमिक अंदाज को लेकर राज कपूर आगे बढ़े, चाहे उनकी मूछें हों या उनका चलने का अंदाज हो या उनकी टोपी हो या उनका डायलॉग डिलीवरी का अंदाज हो। और देवानंद एक ऐसे युवा के तौर पर उभरे जो विद्रोह करता है, जो प्रेम की परंपरागत धारणा को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है, जो शरारती है, खिलंदड़ा है, जो बहुत अलग अंदाज में चलता है। लेकिन ये दोनों अभिनेता दिलीप कुमार की तरह वर्सेटैलिटी के साथ आगे नहीं बढ़े। राज कपूर ही डाकू के तौर पर आपको आप उनको कभी आत्मसात नहीं कर पाएंगे कि वो एक खूंखार डाकू के तौर पर घोड़े पर बैठकर चंबल की वादियों में धाएं धाएं गोलियां चला रहे हैं, या हम देवानंद को कभी एक डकैत या एक गैंगस्टर के तौर पर अंडरवर्ल्ड के खतरनाक डॉन के किरदार में हम कभी देख नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी इमेज इतनी शेपअप रही हमारे दिमाग में। लेकिन दिलीप कुमार इनसे बिल्कुल अलग चले।
आप उनकी आरंभिक फिल्मों को भी देखें, एक फिल्म थी अंदाज जिसमें राज कपूर के साथ थे वो, और बड़ी टक्कर मानी गई थी, राज कपूर, दिलीप कुमार और नरगिस, ये तीनों किरदार उस फिल्म में थे, और अपने दौर में इसको माना गया था कि ये फिल्म जो है जिस तरह से हमने बाद में देखा, ये भी एक प्रेम त्रिकोण पर केंद्रित फिल्म थी जिसे बाद में संगम में भी दोहराया गया, और उसके बाद साजन और इस तरह की कई फिल्में फिल्म इंडस्ट्री में बनती रही हैं। उस फिल्म में दोनों की बड़ी टक्कर थी, लेकिन दिलीप कुमार के आगे माफ कीजिएगा ना, अभिनय की अगर हम बात करें तो राज कपूर भी ये स्वीकारते रहे कि दिलीप दिलीप हैं, और देवानंद भी ये मानते रहे कि दिलीप दिलीप हैं। तो दिलीप दिलीप ही थे, उन्होंने वहां से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने के बाद मुंबई में जब काम शुरू किया तो एक बहुत चुप और खामोश नौजवान के तौर पर उनको देखा गया, लेकिन वो अपनी एक स्टाइल के साथ आए थे, और वो स्टाइल की एक्टिंग की इंटेंस स्टाइल, अपने किरदार में डूब जाने की स्टाइल। देवदास आपने, हमने नई पीढ़ी ने भी देखी है, शाहरुख खान की भी देवदास देखी है, और जो हमारे दादा और परदादा रहे हैं उन्होंने केएल सहगल साहब की भी देवदास देखी है, और हमारे पिता की जो पीढ़ी रही है उसने दिलीप कुमार की भी देवदास देखी है, लेकिन जो फिल्म क्रिटिक्स हैं वो बेहिचक ये मानते हैं कि जो देवदास दिलीप कुमार की है। जी बिल्कुल शरद जी, माफी चाहूंगी यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करने के लिए। हमारे साथ रघुवीर यादव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, अभिनेता हैं। रघुवीर जी, एक बहुत दुखद खबर यहाँ पर सामने आई है, फिल्मी सम्राट कह सकते हैं दिलीप कुमार को, जिनका निधन हुआ, एक बहुत बड़ी क्षति बॉलीवुड के लिए, कैसे देखते हैं? जी, बहुत ही अफसोस, और मतलब की बॉलीवुड उनकी वजह से जाना जाता है, और जिस तरह से उन्होंने काम किया, हम मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग उन्हीं को देख देख के और सीखे हैं, और सीखना मैं खुद उनको बचपन से ही देखता है, और जिस तरह का उनका उनकी फिल्में जो आज भी हमें वैसे ही ताजी लगती हैं, तो उनका जाना बहुत ही दुखद है, और खैर मैं तो ये कहूंगा कि वो तो हमेशा अमर रहेंगे, उन्होंने जिस तरह का जितना खूबसूरती से जो काम किया है और जितनी खूबसूरत फिल्में उन्होंने की है, मुगले आजम कभी ना भूली जाने वाली फिल्म, मैंने उनको कई बार देखा है और उनसे बहुत सबक हासिल किया है, इंडस्ट्री ने तो उनसे बहुत सीखा है, तो मैं तो बहुत, ये तो अभी अभी मैंने सुना और बहुत बड़े दुख की बात है कि वो ऐसा जाना इंडस्ट्री में एकदम खालीपन सा आ गया है, कि वो उनकी मौजूदगी ही ऐसा लगता था कि हम किसी बरगद की छाया में बैठे हुए हैं, बिल्कुल, क्योंकि इनसे बहुत सीखा है। बिल्कुल रघुवीर जी, लेकिन आप भी एक अभिनेता हैं, अभिनेता होने के नाते कितनी बड़ी क्षति इसको समझते हैं? बहुत बड़ी, मतलब इससे बड़ी क्षति तो हो ही नहीं सकती, बिल्कुल ऐसा कि उनसे उन्होंने जो डूबना सिखाया है काम करने में, जो शिद्दत सिखाई है, वो कौन सिखाएगा? बिल्कुल। और उस जमाने में जब फिल्में नई नई शुरू हुई थी और हम फिल्म देखना हमने शुरू किया था, तब लगता था उनको देख के तो लोग दीवाने होते थे और उनकी एक्टिंग के घायल थे लोग, तो मतलब ये क्षति तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल रघुवीर जी, अभी शरद जी से भी हम संवाद कर रहे थे तो उन्होंने भी बताया कि देवानंद और राज कपूर के समय में दिलीप कुमार ने अपने आप को स्थापित किया, निश्चित रूप से उनके लिए भी उस दौर में ये एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी, क्योंकि मुझे याद है देवानंद तो काफी ज्यादा लोकप्रिय अभिनेता थे ही, और राज कपूर को विरासत में मिली थी एक्टिंग। जी हाँ, तो इन्होंने जिस तरह से अपना मुकाम हासिल किया है वो तो कोई कर ही नहीं सकता, और मेरे ख्याल से वो किसी की परवाह किए बगैर जो शिद्दत से